दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना मरीज हो सकते हैं। ये भले ही अनुमान हो, लेकिन देश की राजधानी में जो आंकड़े पिछले एक हफ्ते सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली का हाल मुंबई जैसा होने वाला है। गुरुवार को 24 घंटे में दिल्ली में 1501 नए केस आए, जबकि मुंबई में इससे थोड़े ही ज्यादा 1567 केस आए। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी कई जगहों पर 30% से ज्यादा हो गया है। आंकड़ों के आधार पर देखते हैं क्या है स्थिति। दिल्ली 1501 नए मरीज, मुंबई 1567 नए मरीज। दिल्ली में 19,581 एक्टिव केस, मुंबई में 26,897 एक्टिव केस। दिल्ली में 12,345 मरीज ठीक हुए, तो मुंबई में 23,693 ठीक हुए। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट, साउथ ईस्ट दिल्ली 30.4%, शहादरा 24.86%, सेंट्रल दिल्ली 21.21%, नॉर्थ दिल्ली 20.52%। खास बात ये है कि ये आंकड़े 3 जून के हैं, जो अब और बढ़ चुके हैं। मंगलवार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट जानकारी नहीं दी है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हालात गंभीर हैं। 3 जून तक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10.27% था, जो बढ़कर करीब 30% तक हो गया है। राजधानी की खराब हालात का अंदाजा रोज आते केसों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। दिल्ली में किस दिन कितने केस, 11 जून 1366 केस, 10 जून 1501 केस, 9 जून 1366 केस, 8 जून 1007 केस, 7 जून 1282 केस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही दिल्ली मुंबई से आगे निकल सकता है।